सच न्यूज आईना सच का, सिर्फ सच से करवाए रूबरू। सच न्यूज आईना सच का। असी अज लुधियाने की धरती से सिख पार्टी वालों भाई जरनैल सिंह जी जिहड़े साडे कौमी प्रधान ने ते होर सिख जथेबंदियां दा सिख स्टूडेंट फैडरेशन 1984 वालों असी जिहड़ा अज यह रोस मुजहरा कढ रहे RSS के खिलाफ ते जिहड़े साडे तख्तां दे जथेदार ने चाहे वह ज्ञानी गुरबचन सिंह है चाहे ज्ञानी इकबाल सिंह है, पहलां तां हले कौम नूं भुलेखा सी भी एक RSS के कहे तो चल रहे, अज पक्का सबूत हो गया भी वह उन्होंने बंदे ने उन्हों की जंट ने। जे इस तरह ही नंगे चिट्टे चलना तो जिस तरह खाकी नीकर RSS वाले पा के चलते हैं तो साडे जथेदारां नूं कौमदियां नूं कसहरे ला देने चाहिए इस तरह इन्हां दी गवाही करन दी थां। ये बहुत मंदभागी गल है, असी बर्दाश्त नहीं करांगे चाहे साडे धर्म दे विच चाहे वर्णा नूं सांझा प्रदेश दित्ता गया क्योंकि चार दरवाजे ने दरबार साहब दे, कोई भी आया जी आया नूं जे साडे कौम दे विच कोई दखल दिंदा असी बर्दाश्त नहीं करांगे। जिहदा इह रोस मुजहरा रखिया गया यह जो प्रोग्राम दिल्ली में RSS ने धार्मिक समागम के नाँ पर रखिया और प्रधानगी मंदभागी गल है कि साढ़े पटना साहब के जथेदार इकबाल सिंह कर रहे हैं जो कि बहुत माड़ी गल है, जबकि अकाल तख्त साहब तो हुक्मनामा 2004 जारी होया RSS के नाल कोई भी सिख किसी तरह संबंध ना रखे तो इन्हों प्रोग्राम ना जाए। असी मंग करते हैं अकाल तख्त साहब तो SGPC वालों भी इकबाल सिंह अकाल तख्त साहब से बैठ के आके साडे सिख कौम के मसलों में बैठता और RSS के समागम की प्रधानगी करता, तुरंत इन जो जथेदारी तो लांभे किया जाए। मैं बेनती करता पटना साहब की जो प्रबंधक कमेटी है और वो प्रधान SN सरना साहब ने तुरंत इन जो जथेदारी तो लांभे किया जाए तो जे इन एडा ही शौक है भी मैं RSS के समागम की प्रधानगी करनी है तो खाखी निकर पा के सामने आ जाए, कौमू तो पहले ही पता है और एक पासा ये कर ले। इस गल का असी पुरजोर निखेधी भी करते हैं तो विरोध भी करते हैं और अपील सिख संगत को करते हैं भी कोई भी सिख संगत का बंदा जोड़ा वो RSS के इन्होंने समागम ना जाए। सबसे पहले सबसे सटीक देखते रहिए सच न्यूज आईना सच का।